हे गाइस, आज मैं अपना हेयर केयर रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं किया करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि इसे मैं ज़रूर फॉलो करूँ। तो हफ्ते में दो बार मैं अपने बालों को धोती हूँ, तो मुझे लगा कि आज मुझे मेरे बालों को वॉश करना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी वीडियो भी बनाई जाए। तो सबसे पहले मैंने एक उठा लिया टोनर, जिसमें मैं शैम्पू मिक्स करके अपने बालों को धोऊंगी। तो ये जो टोनर था, ये करी लीव्स और मेथी दाने का टोनर था जो मैंने बना के रखा और मैं अपने बालों पे यूज़ करती हूँ। मैं कभी भी खाली शैम्पू अपने बालों पर नहीं लगाती हूँ, या कोई टोनर उसमें मौजूद कर लेती हूँ, या कोई भी मैं एलोवेरा ले लेती हूँ, या कोई भी मैं मास्क अपने बालों पर लगा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं अपने बालों को शैम्पू से वॉश करती हूँ। ये केमिकल से बचने का बहुत ही बेस्ट तरीका है जो मैं किया करती हूँ। उसके बाद मैंने अपने बालों को अच्छे से धो लिया है और अब मैं लगाने जा रही थी टोनर। एक्चुअली ये रोज़ वाटर का टोनर है जो कि मेरे पास आया था, जो मैंने लास्ट टाइम भी अनबॉक्सिंग की वीडियो में आप लोग को दिखाया था, राइस वाटर का टोनर। अगर कोई किन्हीं को याद है तो उन्हें पता होगा कि ये वही टोनर है। एक्चुअली उसका जो स्प्रे था वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैंने इसका स्प्रे चेंज कर लिया था और मैंने अपने जो मेरे पास स्प्रे बॉटल था मैंने उसमें डाल के मैं इसका स्प्रे कर रही थी। मैंने अच्छे से स्कैल्प पे पूरे अच्छे से मैंने इस टोनर को लगा लिया। उसके बाद लगाने के बाद मैं अपने बालों पे करने लगी हल्के हाथों से मसाज, ताकि अच्छे से स्कैल्प में मौजूद हो जाए और अच्छे से ऑब्जर्व हो सके, इसीलिए मैं मसाज कर रही थी। उसके बाद मैं अपने बालों पे लगाने जा रही थी लिवॉन, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली मुझे लिवॉन से ज़्यादा इसकी स्मेल पसंद है, क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। लिवॉन जो है वो हमारे बालों को फ्रिजनेस से बचाता है, और जितने भी जिनकी भी समस्या होती है कि उनके बाल फ्रिजी हो जाते हैं, रफ से हो जाते हैं, तो लिवॉन को वो ज़रूर ट्राई करें। एक्चुअली मैं लिवॉन जो है वो मैं इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास मौजूद था। बाकी जो है वो मैं घर की कुछ बनाई हुई चीज़ें जो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, मैं वही सारी चीज़ें अपने बालों पे लगाती हूँ, बट ये मेरे पास आए थे और रखा हुआ था और मुझे स्मेल भी बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो मैंने सोचा क्यों ना लगा लिया जाए। तो मैंने अच्छे से लगा लिया, देन मैं अपने बालों को सूखने के लिए मैंने छोड़ दिया ताकि ये अच्छे से सूख सके। और जब ये हाफ ड्राई हो गया तो मैं अपने बालों पे कंघा करने लगी। एक्चुअली कभी भी हमें गीले बालों पे कंघा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमारे जो बाल हैं वो बहुत से ज़्यादा वीक से होते हैं, और जब हम कंघा करते हैं तो हमारे बहुत ज़्यादा बाल गिर जाते हैं, तो हमें लगता है हमारे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं। तो इसीलिए आपको मालूम भी होना चाहिए कि हमें अपने बालों में क्या, कब और कैसे करना चाहिए, ये बेस्ट तरीका है। तो जब ये हाफ ड्राई हो गया तो मैंने इसे अच्छे से मैंने अपने बालों को कॉम कर लिया, और उसके बाद मैं तैयारी कर रही थी सीरम लगाने की। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे बाल अभी भी पूरे अच्छे से तरीके से सूखे नहीं हैं, तो इसे सूखने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैंने 2-3 घंटे तक छोड़ दिया, और 2-3 घंटे के बाद मैं अपने बालों पर सीरम लगाने लगी। एक्चुअली ये लोटस का रोज़ बैडी सीरम था जो मैंने अपनी अनबॉक्सिंग की वीडियो में भी आप लोग के साथ दिखाया था, तो मैं इसे लगा रही हूँ। एक्चुअली हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करने में और हेयर रिग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। आप देख सकते हैं कि इसमें रोज़ मैरी है जो हमारे बालों को लंबा करता है, गिरने से रोकता है, और ये हमारे बालों की रिग्रोथ में भी मदद करता है। आप चाहे तो कोई भी रोज़ मैरी का सीरम घर पे ही बना के लगा सकते हैं, मैंने अपनी वीडियो में बताया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, और उसके बाद आप रोज़मेरी का सीरम अपने बालों पे ज़रूर ट्राई करें। रोज़मेरी हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। आजकल रोज़मेरी ऑयल, रोज़मेरी सीरम, रोज़मेरी टोनर, बहुत सी चीज़ें आ रही है रोज़मेरी की जिसमें रोज़मेरी मौजूद होते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रोज़मेरी कितना ज़्यादा फेमस होते जा रहे हैं और ये कितना ज़्यादा हमारे बालों के लिए अच्छा भी होता है। तो मैंने लगा के अच्छे से मसाज कर लिया हल्के हाथों से। तो ये था मेरा हेयर केयर रूटीन, जो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसे हफ्ते में दो बार तो मैं ज़रूर ही करूँ, और मैं करती भी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मेरा हेयर केयर रूटीन आप लोगों को पसंद आया हो। हमें अपने हेयर केयर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और ये उन्हीं के लिए कुछ टिप्स थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वीडियो को लाइक, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल को ज़रूर करें सब्सक्राइब।